नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय समागम का किया गया आयोजन। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। जंडियारा गुरु में शॉर्ट सर्किट की वजह से गरीब प्रवासी मजदूरों की झोपड़ियों को लगी भीषण आग। लाखों रुपयों का कीमती सामान जलकर हुआ राख। सीमा सुरक्षा बल की ओर से अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा अटारी बॉर्डर में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। डीआईजी संजय गौड़ ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। अरब हलचल विस्तार से। देश के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में जिला स्तरीय समागम का आयोजन किया गया, जिसमें वित्त मंत्री पंजाब हरपाल सिंह चीमा मुख्य मेहमान के रूप में शामिल हुए और राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की रस्म अदा की। इस मौके पर अलग अलग स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों की ओर से देशभक्ति पर आधारित और सभ्याचारिक कार्यक्रम पेश किया गया। जिला स्तरीय समागम में एसटी कॉलेज की छात्राओं की ओर से हरियाणवी लोकनाच, केएमवी कॉलेज की छात्राओं की ओर से राजस्थानी लोकनाच, एचएमवी कॉलेज की छात्राओं की ओर से देशभक्ति के रंग में रंगी प्रस्तुति पेश की गई। एसडी फुलरवान सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं की ओर से पंजाब का लोक नाच गिद्धा और पुलिस डीएवी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों की ओर से भांगड़ा पेश किया गया। इस दौरान रेड क्रॉस स्कूल के विशेष बच्चों ने भी अपनी पेशकारी से सबका मन मोह लिया। इसके अलावा अलग अलग स्कूलों के विद्यार्थियों की ओर से शानदार पीटी शो भी किया गया। जिला स्तरीय समागम की समाप्ति पर एसटी कॉलेज के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय गान पेश किया, तो वहीं वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने जिला स्तरीय समागम के दौरान अलग अलग सभ्याचारिक कार्यक्रम पेश करने वाले विद्यार्थियों की हौसला अफजाई भी की। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। एक तरफ जहां पूरा देश गणतंत्र दिवस की खुशियां मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ जंडियाला गुरु में एक बहुत ही दुखदायी घटना घटित हुई, जिसमें गरीब प्रवासी मजदूरों की झोंपड़ियों को अचानक हुए शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई और उनका सारा कीमती सामान जलकर राख हो गया।
इस मौके पर पारिवारिक सदस्यों और आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि घर के पुरुष अपनी मेहनत मजदूरी करने के लिए गए हुए थे और पीछे से अचानक बिजली का शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई, जिस कारण घर में पड़ा लाखों रुपयों का कीमती सामान, जिसमें बिस्तरे, गर्म कपड़े, मोबाइल फोन, नकदी व अन्य घरेलू जरूरती संबंधी जरूरी सामान जलकर राख हो गया। उन्होंने बताया कि जब आग लगने के बारे में फायर ब्रिगेड को फोन कर बताया गया तो वे लगभग 1.5 घंटों के बाद मौके पर पहुंचे। तब तक लोगों द्वारा आग पर काबू पा लिया गया था। उन्होंने कहा कि झोपड़ियों के पास गंदा नाला बहता है, जिसमें से लोगों ने पानी लाकर आग बुझाई। उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तो आ गई थी, लेकिन उनमें फायर ब्रिगेड के कर्मचारी नहीं थे, बल्कि उसमें नगर कौंसिल के सफाई कर्मचारी थे, जिन्हें फायर ब्रिगेड की पाइपें खोलनी भी नहीं आई। इसलिए पीड़ित परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। अग लगी इतने कटे हुए बंदे थे, अपने सारे कमों को मारा गए ही, जिन्हें नुकसान वाह रहा होगा। फिर जी फाइबर वाली गड्डिया एक घंटे बाद आई काम करते करते। हाँ जी, सारे गए तार का चंगे आटे से अग लग गई। वो इन्होंने बुलाया नहीं, जो आजादी हो गई उदो बुलाने लगे। एक दो बंदा होगा चंगा बाल्टी से पानी, हाँ बाल्टी से पानी, हाँ बाल्टी से थोड़ा बुझेगी। वे वो बोला गडर वाला रहता था ना, जैसे गटर को लगाते साफ करते हैं, वो इससे बैक रहा, इससे नहीं बना। 1.5 घंटे के बाद फेवर आई, फेवर वाले बोलते हैं हमको तनख्वाह नहीं मिल रहा है, एक बार वीडियो बना के दिखाओ फिर आएंगे। हाँ, देश के 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत के सीमा सुरक्षा बल ने अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा और संयुक्त चेक पॉइंट अटारी में बीएसएफ के डीआईजी संजय गौड़ की तरफ से तिरंगा लहराया और बीएसएफ के जवानों को संबोधित कर उन्हें मिठाइयां भेंट की। इस दौरान डीआईजी संजय गौड़ की तरफ से बीएसएफ के जवानों का मुंह मीठा करवाया गया और परेड से सलामी ली गई। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच अमन शांति बनी रहे, किसी को भी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा, चाहे वे पड़ोसी देश ही क्यों ना हो। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष के दौरान बीएसएफ ने 107 के करीब ड्रोन काबू किए और 442 किलो हेरोइन भी जब्त की। उन्होंने कहा कि बीएसएफ सुरक्षा फोर्स पूरी तनदेही से दिन रात अपनी ड्यूटी निभा रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं डीजी बीएसएफ और प्रत्येक सीमा प्रहरी की तरफ से सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। वह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सीमा प्रहरी अपने साहस, शौर्य और बलिदान के गौरवशाली जो परंपरा हम लोगों की रही है, उसके अनुरूप हम देश की अखंडता और एकता को हमेशा बनाए रखेंगे और उसके लिए हम दृढ़ संकल्प हैं। साथ ही मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम अपने देश की सीमाओं की रक्षा हेतु सभी प्रयत्न कर रहे हैं और करते रहेंगे, ताकि सभी भारतवर्ष के भारतवासी अपनी भारतवर्ष को प्रगति में अपना सहयोग कर सके निश्चिंता से, निडरता से। प्रताप बाग वेलफेयर सोसाइटी की ओर से प्रताप बाग जालंधर में देश का 75वां गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की रस्म दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विधायक बाबा हेनरी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर अदा की। इस मौके पर पुलिस जवानों की ओर से मार्च पास्ट कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी भी दी गई। तो वहीं नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां पेश कर देश भक्ति की भावना को उजागर किया गया। इस दौरान दैनिक सवेरा की ओर से श्री देवी तालाब मंदिर चैरिटेबल अस्पताल के सहयोग से ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदानियों ने रक्तदान कर अपना विशेष योगदान दिया। इस मौके पर मंच संचालन पंडित गुलशन शर्मा ने बाखूबी निखाया। इस अवसर पर सुभाष शर्मा, सोसाइटी के अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता, चेयरमैन पवन तलवाड़, उपाध्यक्ष योगेश कोहली, सचिव गौरव शर्मा, कोषाध्यक्ष सुधीर शारदा, संजय कोचड़, अविनाश सहगल, विनोद शर्मा, जतेंद्र सैनी, राजकुमार, श्यामलाल अरोड़ा, गगन मिगलानी, प्रवीण कुमार, सुभाष शर्मा, संजय गुप्ता, प्रिंस सोंधी सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट।
खास तौर पे हलचल और दैनिक सवेरा संपादक मेरे बहुत ही अजीज श्री शीतल विज जी भी पहुंच रहे हैं, बाबा हैनवी जी पहुंच रहे हैं, यूनिटी हॉस्पिटल डॉक्टर ज्योति जी के बेटे जेडे आ अभिषेक जी वो भी इतनी अपनी ड्यूटी देंदे आ, और सारे जिन्हें भी सज्जन आ रहे आ नेड़े दूरों चल के अज बड़ी धूमधाम के नाल जिहड़ा गणतंत्र दिवस जिहड़ा है मनाया जाएगा। हर साल ही आजादी का दिहाड़ा और गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम के नाल मनाए जाते हैं और सानू सारे मनाने भी चाहिए, क्योंकि 26 जनवरी वाले दिन साढ़े हिंदुस्तान का संविधान लिखा गया सी, हिंदुस्तान के संविधान की संरचना की थी, और 15 अगस्त वाले दिन साढ़े इस हिंदुस्तान को आज़ादी मिली सी, और किन्ने योधिया ने किन्ने माता के सपूतों ने उस आज़ादी के अपनी जिंदगी का योगदान पाया, और अज आप याद करिए शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, लाला लाजपत राय, जिन्होंने अपन शहीदियां दे के इस देश को आज़ाद कराया, और जे असी ये दिन नहीं मनावांगे तो आने वाली जनरेशन जिहड़े साढ़े नौजवान बच्चे है उन्होंने शहीदों को भुल जाएंगे। सब तो पहला भक्ति दे उस रस्ते विच रसे हुए आ अवतार सिंह जी, जिहड़ा कि जिन्हां दा प्रमाण नहीं दिता जा सकता। एक मेरी छोटी जी गल सुनना, गुप्ता साहब सुनो, एक शहर पंजाब हिंदुस्तान दा उद्योगपति होवे उह सिर्फ एक आशीर्वाद उह दुआवा माँ भगवती माता देवी तला शक्ति पीठ त्रिपुर माली के दरबार के नाल जिहड़ा जुड़िया होया है, किसी के अगे झुकना किसी को आशीर्वाद लेना कोई सौखा काम नहीं गा। मैं कहना धन है वह माँ माता पिता स्वर्गे बसंत प्रकाश जी, बसंत जी ऋतु खिड़ती है ना तो एक प्रकाश फैलद है उन्होंने कुल का एक दीपक शीतल विजी जिहड़ा है इस प्रताप बाग वेलफेयर सोसायटी के नाल पम्मी जी जुड़े हुए आ, इन्हां दे किद्दां तुसीं आसान उतारोगे, इन्ना मान सत्कार दानवीर धर्मवीर करमवीर राजू जी इन्हें वर्गा शहर मैं कोई बंदा नहीं देखना, हर बंदे दे नाल कंधे नाल कंधा मिला के जिहड़ा चलन वाले आ। मैं शीतल विज जी का इस प्रताप बाग वेलफेयर सोसायटी वालों बहुत बहुत आभार प्रगट करना वा। जय माता दी। अज देश गणतंत्र दिवस दे शुभ मौके ते मैं प्रताप बाग वेलफेयर सोसायटी के प्रधान जी गुप्ता साहब, पम्मी जी, श्री श्री 1008 संजय कोछड़ जी महाराज, राजू जी और साढ़े सुभाष जी और चौहान साहब, कोहली साहब, अवतार सिंह जी, सैनी साहब, शेंटू जी, भाटिया साहब, साढ़े बहुत ही आदरणीय है पंडित गुलशन जी, हर साल चाहे 15 अगस्त होवे चाहे 26 जनवरी होवे प्रताप बाग नाल बहुत संबंधित ने, और छे भी देवी तला मंदिर दे नाल इन्हां दा शुरू तो बहुत इन्हां दा सहयोग है, कमेटी दे सिर ते इन्हां दा बड़ा आशीर्वाद है पंडित जी का, और रामनवमी शोभा यात्रा होवे ते कोई भी आयोजन होवे शक्तिपीठ देवी तला मंदिर च हमेशा प्रताप बाग वेलफेयर सोसाइटी, मम्मी जी सारे कोचड़ साहब
साढ़े गुरु पंडित जी हमेशा कंधे ना कंधा लगा के कमेटी का साथ देंगे ने। और मैं महाराणी की अरदास करदा प्रताप बाग वेलफेयर सोसाइटी के सारे मैंबरों और इतने सैर करने वाले इतने जोड़े जिन्हें जिन्हों का सहयोग है उन्होंने भगती माँ चढ़ती गलों रखे उन्होंने सिर पर मेहर भरे हाथ रखे क्योंकि उन्होंने शक्ति दे। इस तरह प्रताप बाग वेलफेयर सोसाइटी इस तरह प्रतापगढ़ की रखवाली तेरी तरक्की कर दे। जय श्री राम, जय माता दी। राम भगवान जी अपने स्थान पर आए आ। मैं ये धन जिक्र है शीतल जी को कहने वाली गल नहीं गई, ये तो बहुत वड्डी एक तपस्या है और तपस्या के नाल अज देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी बैल साहब है, गुप्ता जी है, जेशवे जी है, डॉक्टर सतपाल जी है, सारिया ने एक माला च परो के जोड़ा है शक्तिपीठ देवी तला मंदिर नू रख्या होया है। कंधे नाल कंधा मिला के शीतल जी दे नाल कदम मिला के चल के अज जोड़ा है अपना शक्तिपीठ देवी तला का नाम जोड़ा है आकाश दियाँ बुलंदियों ले जाने वाले मैं शीतल बीर जी बहुत बहुत मुबारक। बेशक मेरे तो वड्डे आ पर है मेरे बच्चे, मेरे अजीज है और इस तरह के नाल खुशियां मनाते रहो। बाकी नशे की भेंट चढ़े, बाकी नशे की भेंट चढ़े, पतन गर्त में जा गिरे हमारे सारे नौजवान, हमारे सारे नौजवान। हमारा देश बहुत चीजों में आगे तो बढ़ रहा है परंतु वे अपने नैतिक मूल्यों को भूलते ही जा रहा है। माता पिता तो तब टूटते हैं जब बच्चा आकर उन्हें बोलता है कि आपने हमारे लिए क्या किया है, कि नवविवाहित दुल्हन के हाथों की मेहंदी अभी सूखती भी नहीं क्या वह तलाक लेने के लिए मादा हो जाती है। शहीदा नु आज श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने अपने खून दे नाल अपने पिंडे ते तशद्दुद सह के हिंदुस्तान दे हर एक निवासी नु अपना सब तो वड्डा अधिकार जरा जनप्रतिनिधि नु चुनन वास्ते 26 जनवरी 1950 नु जड़ी डॉक्टर बीआर अंबेडकर ये उस दिन नु याद करते हुए जदों 1930 दे दहाके दे विच इंडियन नैशनल कांग्रेस दा जरा सम्मेलन होया सी, पूर्ण स्वराज दा जरा सब तो पहला नारा दिता गया है हिंदुस्तान दे लोकां नु, उस दिन नु समर्पित लोकां दी शहादतां नु समर्पित अज दा ये दिहाड़ा ना केवल सारे हिंदुस्तानियों वास्ते बट दुनिया दे विच हर एक स्वतंत्र लोकां नु ये समर्पित है। वो यूनिटी वाला हैगा भावें बहुत ही सत्कारयोग शीतल बीर जी दी अदान प्रधानगी दे विच जिहड़ा ब्लड डोनेशन कैंप लग गया, मैं तहे दिल तो धन्नवाद है। तो ये भी मैनू दसन दे विच पंडित जी बड़ा हर्ष हो रहा है कि इहदी नवीनीकरण वास्ते एक नवा टेंडर लगन जा रहा जिहड़ा कि इस साल फिर तो जिहड़ा प्रताप आ गया इहनू होर इहदे विच उसारी की जा सके, खास करके बच्चियां बुजुर्गां वास्ते। फिर तो इस मुकदस दिहाड़े दे उत्ते सारिआं नू अपने परिवार वालों खास करके अपने पिता जी वालों बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं रजिंदर कुमार गुप्ता प्रेजिडेंट प्रताप बाग वेलफेयर सोसायटी, असी हर साल गणतंत्र दिवस से स्वतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी ते 15 अगस्त असी हर साल प्रताप बाग मनाने हैं। इस विच साडे अज श्री शीतल बीर जी प्रधान देवी तला मंदिर ते श्री बाबा हेनरी जी MLA साहब साडे विच आए सन ते उन्होंने झंडा लहराने की रस्म अदा की। मैं सारे इलाका निवासियों का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ, इतों के जितों के पंजाब पुलिस डॉक्टर की टीम यूनिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर तो देवी तला मंदिर के डॉक्टर का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। मैं एक सरकार अगे एक बेनती करता हाँ कि अजक सू किस चीज़ की लड़ है इस शहर के देश के पंजाब भी जी पार्किंग की प्रॉब्लम बहुत वीड्डी आ, इतने एक बड़े पार्क बनाए जाने जोड़े 2-3 मंजिली हो तो कि गलिया बेच कारा खड़िया रेंदियां कोई भी रास्ता नहीं मिलता निगन, इसलिए बहुत जरूरी आ चाहे वह कारपोरेशन आ चाहे पंजाब सरकार हो कोई भी हो, मेरी ये सरकार अगर बेनती है। दूसरी पार्क वधिया पार्क बनाए जाए जेडे कि लोग मोबाइल नू छड़ के अपने पार्कों में आन तो अखा ना अपन खराब कर हर टाइम बच्चा छोटा बच्चा भी मोबाइल मगर लग्या है। तीसरी मेरी बेनती आ जड़ी लड़की दे मावां वा उन्होंने अपनी बेटी नू सिक्ख्या अच्छी देनी चाहिए आ।
हंसराज महिला महाविद्यालय में प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अजय सरीन के दिशा निर्देशों में जिला निर्वाचन आयोग के सहयोग से 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आरंभ ज्योति प्रज्वलित कर डीएवी गान से किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आईएएस डिप्टी कमिश्नर विशेष सरंगल पधारे। इसके अलावा जसबीर सिंह एडीसी दरबारा सिंह, एडिशनल चीफ एडमिनिस्ट्रेशन बलबीर राज, एसडीएम सुखदेव सिंह, इलेक्शन तहसीलदार व असिस्टेंट नोडल ऑफिसर डॉक्टर अशोक विशेष अतिथि के रूप में पधारे। प्राचार्य डॉक्टर अजय सरीन ने आए हुए मेहमानों को प्लांटर व पेंटिंग भेंट कर उनका हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हंसराज महिला महाविद्यालय में पिछले 10 वर्षों से राष्ट्रीय मतदाता दिवस सफलतापूर्वक मनाया जा रहा है और यहां हर अध्यापक व विद्यार्थी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल की ओर से वोटर दिवस के मौके पर शपथ लेने की रस्म अदा की गई। इस अवसर पर असिस्टेंट नोडल ऑफिसर अशोक सोहता ने पहली बार वोट करने वाले युवाओं, दिव्यांग व ट्रांसजेंडर नागरिकों को वोट का सही उपयोग करने की अपील की। इसके अलावा वोट पाओ देश बचाओ विषय पर नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर विभिन्न संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन डॉक्टर अंजना भाटिया ने किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान से किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। आज का ये वोटर्स डे, सब बता रहे थे कि 14 साल हुए हैं और मुझे इस बात का गर्व है कि हंसराज मेहता महाविद्यालय में ये लगातार 10वीं साल ये वोटर्स डे मनाया जा रहा है। सर, ये सब कुछ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को हंसराज मेहता महाविद्यालय अपना एक घर जैसा महसूस होता है और इसी तरह की फीलिंग हमें आती है जब हम डीसी ऑफिस में जाते हैं अपनी कोई भी बात लेकर कि ये सब भी हंसराज मेहता महाविद्यालय का परिवार है। बच्चों, जो नए वोटर्स आज आए हैं, मैं उनके लिए छोटी सी बात सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि हम ये तो जरूर सोचते हैं कि सरकार ने हमारे लिए क्या किया, कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, लेकिन उसके साथ ही साथ एक इंट्रोस्पेक्शन करने की ये भी हमें जरूरत है कि हम उस सरकार को चुनने के लिए क्या कर रहे हैं। भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के नाते आपको इस चीज का राइट देता है कि आप अपनी मर्जी से निष्पक्ष तौर पर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने ताकि वो आगे जाकर सरकार बना सके, ऐसी पॉलिसियां बना सके जिससे कि आपका भविष्य सुनहरा हो, ऐसा सुनिश्चित हो, ऐसी पॉलिसीज बना सके कि जिसमें रोजगार मिले, ऐसी पॉलिसीज बना सके कि जिसमें हम मॉरल वैल्यू से सुजज्जित नागरिक प्रोड्यूस कर सके जो कि हमारे देश को ग्लोबल लेवल तक रिकॉग्निशन दिला सके। जो बेसिक साधा ऑब्जेक्ट है वो है कि जन वोटर वो जी 18 साल उपरंत अपनी पहली वोट कास्ट करेंगे उन्होंने लिए वोटर दिवस के तौर पर अस ग्रहण करके अज तो ही तैयारियां शुरू कर रहे हैं कि आने वाले साढ़े इलेक्शन के लिए असं 100% जी है अपनी वोटिंग करिए। उस तो इलावा साढ़े को दिव्यांग वोटर है जिन्हों सारे सुविधावान के लिए असं अवेयर कर रहे हैं। बतौर स्वीप नोडल ऑफिसर डॉक्टर सुरजीत लाल जी, माई सैल्फ और हमारे जिन्हें भी साढ़े साथी साहबान वो सारे ने अज इस लड़ी को अगे लैके जाने लिए ज़्यादा तो ज़्यादा अवेयरनैस, चाहे वह ट्रांसजेंडर की हो, चाहे दिव्यांग वोटर की है, चाहे यंग वोटर की है, उन्होंने असी उस लैवल तक लैके जाना कि असी अपने डिप्टी कमिश्नर साहब जी का 100% का पोलिंग का जो सुपना है वह साकार कर सके। नगर काउंसिल चंडियाला गुरु में गणतंत्र दिवस बड़ी ही श्रद्धा एवं धूमधाम से मनाया गया। इस समागम में कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ की माता सुरेंद्र कौर मुख्य मेहमान के रूप में शामिल हुई। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज को लहराने की रस्म नगर काउंसिल प्रधान संजीव कुमार लवली और माता सुरेंद्र कौर ने निभाई। पंजाब पुलिस के जवानों ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी, जिसके पश्चात सरकारी स्कूल के बच्चों ने शब्द गायन किया और देशभक्ति के गीत सुनाकर सबका मन मोह लिया।
इस अवसर पर एसएस बोर्ड पंजाब के सदस्य नरेश पाठक, शहरी प्रधान सरबजीत सिंह डिम्पी, सुनैना रंधावा, निर्मल सिंह लाहौरिया, डॉक्टर मंगल सिंह किशनपुरी, कैबिनेट मंत्री के भाई सुखविंदर सिंह, सतेंद्र सिंह, इंस्पेक्टर संकल्प, इंस्पेक्टर मुख्तियार सिंह, चौकी इंचार्ज राजवीर सिंह भी मौजूद रहे। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। आज सारे देशवासियों, सारे विश्व च वसदे भारतवासियों, भारत के 75वें गणतंत्रता दिवस दियां ढेर सारियां शुभकामनावां देना। 26 जनवरी 1950 नूं भारत का जिहड़ा संविधान सी ओह लागू होया सी, और भारत का संविधान का मेन मकसद इको सीगा कि भारत के नागरिकां नूं उहनां दे अधिकारां दी उहनां दी रक्षा की जाए, उहनां नूं जिहड़े मौलिक अधिकार ने वह दिते जाण। सो अज असी 75वें साल च एंटर कर गए, और मैं आस करदा कि जिहड़ा साडा भारत है वह दुनिया का मोढ़ी देश बने, जिदा इतिहास में रहा भारत विश्व गुरु सी, लेकिन साड़िया कुछ नलैकियां करके असी बिछड़ गए। लेकिन मेरी अज के दिन यही आस है, और मैं विश्वास, मैं पूर्ण विश्वास है कि भारत जिहड़ा वह छेती जिहड़ा विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। भारत के लोगों को बहुत बहुत मुबारक है कि अब 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो देश के एक बड़ा खुशी का माहौल है। आजादी जी है वह इंसान का एक बड़ा हिस्सा है, इस संविधान ने सानू आजादी दी है, लोगों को आजादी दी है। इस आजादी के नाल आम लोग जोड़ा वह भाईवाली पाता है। अब जंडियाला गुरु के भी इस आजादी दिवस मनाया जा रहा है, रौनक ने मैं टीवी से भी देख रहा कि सारे देश बहुत रौनक है। लवली प्रधान नगर कौंसल जंडियाला गुरु, अब 26 जनवरी दियाँ लख लख बधाइया दिना सारे देश को, पंजाब को, खास करके जंडियाला गुरु को। साडे विच अज कैबिनेट मंत्री सरदार हरभजन सिंह जी, माता इंद्र कौर जी अज मुख मेहमान के तौर पर इतने पहुंचे ने, मैं उन्होंने बहुत बहुत स्वागत करता हाँ। इदा ही रल मिल के यही त्यौहार हमेशा ही मना रही है।